नमस्कार, मैं दीप्ति बुंदेलखंडी जायका में आज लेकर आई हूँ बच्चों का फेवरेट और टेस्टी लंच बॉक्स। यहाँ पर बच्चों के लिए मैंने जो बनाया है, यकीन मानिए ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। उनके लंच बॉक्स में आप दीजिए, वो बड़े ही चाव से इसको फिनिश करके आएंगे, क्योंकि मैंने इसमें बच्चों की सारी फेवरेट चीज़ें डाली हैं। और अगर आपको ये यम्मी और टेस्टी सा नाश्ता अपने बच्चों के लिए पसंद आता है तो एक बार इसे बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी भी है और साथ ही ये हेल्दी भी है। तो फटाफट से इसको बना लेते हैं। बच्चों को ये हम क्या कहेंगे, बच्चों को हम कहेंगे हमने उनके लिए ये पिज्ज़ा पॉकेट बनाए हैं जो हमने बेसिक से सामान से बनाए हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। साथ ही वीडियो पसंद आने पर, पूरी रेसिपी आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मैं अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए बनाऊंगी वो आपकी किचन तक पहुंचे। तो यहाँ पर मैंने दो उबले हुए आलू लिए हैं, क्योंकि नया सत्र चालू हो गया है स्कूल का और बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, तो फटाफट से मैं बच्चों के लिए सुबह बना रही हूँ। ये मैंने आलूओं को यहाँ पर बढ़िया सा ग्रेट कर लिया है ताकि ये इसमें किसी तरह की गांठ वगैरह ना रहे। और ये यहाँ पर इस तरह से मैश कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम नॉर्मल गेहूं का आटा। आप मैदा भी डाल सकते हैं, मैंने गेहूं का आटा लिया है। और साथ में थोड़ी थोड़ी जो भी मेरे पास वेजीज थी मैंने कट कर ली है, पालक, प्याज, गाजर, थोड़ा सा हरा प्याज, शिमला मिर्च, सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर महीन महीन कट करके इस तरह से डाल दिया है। थोड़ा सा डालेंगे मिर्ची पाउडर, अमचूर पाउडर, और साथ में डाल देंगे यहाँ पर हम नमक स्वाद के अनुसार। मैं थोड़ी सी अजवाइन भी ले रही हूँ, अजवाइन से थोड़ा सा ये हेल्दी भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच भरकर अजवाइन डाल दी है। और ये नमक ले रही हूँ, नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ताकि बच्चे जब लंच बॉक्स स्कूल में खोलें तो उनको ये खाने के साथ साथ देखने में भी अच्छा लगे। अब इस तरह से इसको हम अच्छे से हाथों से मैश करेंगे। पहले हम इसको बिना पानी के इसी तरह से मिक्स करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पानी नहीं डालेंगे, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा दही। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं, ताज़ा घर का दही है वही मैं डाल रही हूँ यहाँ पर। इसको हम दही से ही लगाएंगे ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट सा बनकर तैयार हो। बच्चों के लंच बॉक्स में कुछ ऐसा दें जो बच्चे देर से खाते हैं तो भी वो अच्छा सा रहे। तो मैंने दही के साथ इस तरह से लगा लिया बढ़िया सा डो, और थोड़ा सा तेल लगाया हाथों में। इस तरह से इसको चिकना करके हम साइड में रख देंगे। और फिर इसके हम बनाएंगे बहुत ही छोटे छोटे से यम्मी और टेस्टी बच्चों के लिए पिज्ज़ा पॉकेट। तो वो पिज्ज़ा पॉकेट जो बनकर तैयार होंगे वो बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। आप सॉस के साथ दे दीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। घर में भी आप ब्रेकफास्ट में उसको खा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़ा सा चीज़। यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, और ये मोज़रेला चीज़ एक्चुअली इसको फ्रिज में रखते हैं ना तो खूब टाइट सा हो गया ये, और मैंने इस तरह से नाइफ़ की सहायता से पतले पतले स्लाइसेस इसके निकाल लिए हैं। और फिर अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसको किस तरह से बनाएंगे। तब तक साइड में यहाँ पर पैन में तेल गरम होने के लिए रख देंगे, ताकि जब तक हम अपने ये टेस्टी और यम्मी चीज़ पॉकेट बनाएं तब तक यहाँ पर हमारा तेल गरम हो जाए। तो थोड़े से कॉर्न पड़े थे, मैंने कॉर्न ले लिए हैं। अगर आपके पास मटर हो तो आप मटर ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ओरिगैनो लिया है। अब पिज्ज़ा होगा तो ओरिगैनो तो होगा ही। तो यहाँ पर हम लेंगे ये आलू और आटे का डो। इसको बढ़िया सा आप हाथों की सहायता से चिकना कर लीजिए, और उसके बाद हम नाइफ़ की सहायता से बराबर के इसमें कट लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने चार इस तरह से लोई बराबर बराबर निकाल ली है, और इनको बढ़िया सा हाथों की सहायता से हम इस तरह से चिकना कर लेंगे और इनको साइड में रख लेंगे। उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे अपने टेस्टी से पिज्ज़ा पॉकेट बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। तो यहाँ पर पहले मैंने एक लोई इस तरह से ले ली है, थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर इसको बेल लेंगे। वैसे मुझे इसका चौकोर साइज का बनाना है, पर आप इस तरह से गोल बना लीजिए, और उसके बाद हम इसको चाकू की सहायता से कट करके और अच्छे से जिस तरह का हमें चाहिए उस तरह का हम यहाँ पर निकाल लेंगे। इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी, और जो ये बचे हुए हिस्से हैं
उनको हम दोबारा से फिर से बेल लेंगे। इस तरह से मैंने एक साइड में प्लेट ले ली है और उस पर हम इसको फैला देंगे थोड़ा सा सूखा आटा इस तरह से ऊपर लगाने के बाद। इसको मैंने साइड में रख दिया और बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, मीडियम साइज़ की इसकी थिकनेस हमें रखनी है। दूसरी लोई को भी इसी तरह से बेल लिया है मैंने और उसमें भी कट लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी जो चार लोई निकली थी उनकी इस तरह से चार चौकोर साइज की हमें यहाँ पर बढ़िया सी पूड़ियाँ मिल जाएंगी। बड़ी सी इस तरह से मैंने कट करके निकाल ली है और थोड़ा सा सूखा आटा मैं इस तरह से डालती जा रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से चीज़ को रख देंगे चार कोनों में, क्योंकि हमें पॉकेट बनाने हैं। तो इस तरह से मैं चार कोनों में रख रही हूँ और उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऑरिगैनो सभी के ऊपर इस तरह से डाल देंगे ताकि जब हम इन्हें सेकें तो चीज़ अंदर से मेल्ट हो जाए और वो बच्चों को अच्छी लगे खाने में। थोड़े से स्वीट कॉर्न मैंने रख दिए हैं और अब ये जो दूसरा मैंने हिस्सा बेल कर रखा था उसको हम इसी के ऊपर डाल देंगे और इस तरह से उसको हम अच्छे से चारों तरफ से चिपका देंगे बहुत अच्छे से। तो मैंने इसको बढ़िया सा इस तरह से चारों तरफ से चिपका दिया है। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा पॉकेट, तो इतना बड़ा पॉकेट नहीं बनाऊंगी, अभी मैं इसमें कट लगाऊंगी इस तरह से। तो इस तरह से मैंने चार पॉकेट बना दिए हैं और इनको हम अच्छे से चारों तरफ से दबा देंगे। तो ये बढ़िया से हमारे लिफाफे बनकर तैयार हो गए हैं और इनको बनाने के बाद हम साइड में रख देंगे और जो बाकी के हैं उन्हें भी हम तैयार कर लेंगे। और तब तक हमारा साइड में तेल भी गर्म हो रहा है। तो यहाँ इस तरह से मैंने उठाकर इनको हाथों की सहायता से अच्छे से चारों तरफ से दबा दिया ताकि ये अच्छे से चिपक जाएं। जब हम इनको सेकें तो ये हमारे जो पॉकेट हैं वो खुले नहीं, और आप देख सकते हैं इनमें बढ़िया से जो अंदर फिल हुआ है वो चीज़ वगैरह भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। अब इस तरह से तेल गर्म है, हम डालते जाएंगे इन पॉकेट को और बढ़िया सा फ्राई कर लेंगे। तो पहले तो आपको तेल अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद हम आँच को मीडियम कर देंगे ताकि ये बढ़िया से सिक जाएं अच्छे से। वैसे तो ये बड़े ही सॉफ्ट भी क्रंची भी, जब आप इनको गरम गरम खाएंगे तो ये थोड़े से क्रंची लगते हैं, पर बच्चों के टिफ़िन में जब आप देंगे तो स्कूल में जाएंगे तो वो ठंडे हो जाते हैं। पर वो आलू की वजह से और जो चीज़ वगैरह डाला है उसकी वजह से ये बहुत ही टेस्टी यम्मी लगते हैं। आप इसको सॉस के साथ, चटनी के साथ बच्चों को दे दीजिए या फिर इसी तरह से दे दीजिए, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तो इस तरह से ये सिकते जाएंगे और मैं इनको आराम से पलट दूंगी। वैसे ये खुलते नहीं हैं पॉकेट बिल्कुल भी, क्योंकि आटा आलू सब अच्छे से चिपक जाता है। बहुत ज़्यादा मैं इनको नहीं सेक रही हूँ कि बहुत ज़्यादा खरे हो जाएं, फिर ये बहुत क्रंची हो जाएंगे और बच्चे जब इसको लंच बॉक्स में ले जाएंगे तो वो टूट जाएंगे, चीज़ वगैरह उनका निकल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हमें इस तरह से गोल्डन ब्राउन सेक लेना है और उसके बाद इसको आप अपने बच्चों के टिफ़िन में पैक करके दे दीजिए। बच्चों का फेवरेट लंच है ये, उनको बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पर धीमी धीमी आँच में मैं सेक रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये बढ़िया से कितने अच्छे से सिकते हैं और एक भी पॉकेट खुलता नहीं है कि खुल जाए अंदर की चीज़। धीमी आँच पर जब आप इसको ऐसे सेकेंगे तो अंदर की जो चीज़ होती है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाती है। तो इस वजह से ये बहुत अच्छे लगते हैं ठंडे होने पर भी। जब इसको आप स्कूल में बच्चे खाएंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएंगे। और एक बार आप अपने बच्चों को बनाकर ये टिफ़िन में ज़रूर दीजिएगा, बच्चे आपके खुश हो जाएंगे, उन्हें बहुत पसंद आएगा ये। तो आप इसमें अगर चीज़ नहीं रखना चाहते हैं तो अंदर आप सिर्फ़ मटर रख दीजिए या और भी वेजिटेबल जो आपको पसंद हो वो फ्राई करके रख दीजिए इस तरह से बच्चों के लिए, तो उन्हें बहुत पसंद आएगा। या फिर इनको आप सादा भी सेक सकते हैं, अंदर थोड़ा सा घी लगा दीजिए, तेल लगा दीजिए और उसके बाद इनको सेक दीजिए, बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये बढ़िया धीमी धीमी आँच पर मैं सेक रही हूँ, ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इनको मैं अच्छे से निकाल लूँगी इस तरह से सारे के सारे, और उसके बाद बढ़िया सी हम इनकी कर लेंगे प्लेटिंग। जो बाकी के बचे हुए हैं उन्हें भी मैं सेक लूँगी। तो अगर आपको पसंद आए
तो इन्जॉय कीजिए।